डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ट्रायंगल्स का एक टेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एट्रिपिज्म ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड वी हैव टू प्रूव ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। फिगर पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक ट्रिपिज्म लेनी है ए बी सी डी। आगे देखिए, लेट इट बी ए ट्रिपिज्म, इसका नाम ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, हमारे पास एक ट्रिपिज्म है ए बी सी डी, इसमें जो ए बी है इट इज पैरेलल टू डी सी एंड देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट। यहाँ पे डायगोनल देखो, एक डायगोनल बी डी है एंड सेकंड डायगोनल इज डी सी। दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टू। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक ट्रिपिज्म ए बी सी डी है और इसकी जो दो डायगोनल्स हैं ए बी ए सी एंड बी डी, दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड यू हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आता है कि वी हैव टू प्रूव हियर ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। देखो, हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में आप सिंपली लिख सकते हो एट्रिपिज्म ए बी सी डी, या इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो एट्रिपिज्म ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे एट्रिपिज्म ए बी सी डी, एट्रिपिज्म ए बी सी डी। मैंने पहले ही आपसे कहा यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसके बाद टू प्रूव, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव हियर ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। इसके बाद हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, इसका नाम ई ओ रखेंगे। चलो, अब ई ओ नहीं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ई एफ, ई ओ एफ या सिंपली ई एफ। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, इसका नाम मैंने ई एफ रखा। दिस ई एफ इट इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। सीधी सी बात है, अगर ई एफ पैरेलल टू ए बी है, ऑलरेडी ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन ई एफ विल बी पैरेलल टू डी सी। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू डी सी। ये कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद प्रूफ, प्रूफ में हम एक काम करेंगे, वी विल कंसिडर ट्राइंगल ही है ए डी सी, ये डॉटेड वाली ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। अगर आपको याद होगा कि जब हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस की, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल, आर यू गेटिंग मी, ए डी सी वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। यहाँ पे देखो ई ओ, इट इज पैरेलल टू डी सी, EO is parallel to DC. अगर वहां पे EO parallel to DC है, तो जो बाकी दो sides हैं, they divide in the same ratio. Then we can say that in triangle ADC, यहाँ पे लिख सकते हो आप EO parallel to DC, तो इसके पीछे जो reason है by construction. Construction में हमने ये line draw की है. Using BPT, basic proportionality theorem पर apply करो, it became as AE by ET. क्योंकि दो दो पार्ट्स को इस सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ए ई बाय ई डी, इट बिकम्स ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू, यहां पे देखो ए ओ बाय ओ सी, या ओ सी लिखो या सी लिखो, हार्डली मैटर्स, वी कैन राइट इट एज ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाय सी ओ, मार्क इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉरगेटिंग मी। इसके बाद Now consider triangle ABD. अब ABD को consider करो, इस वाली triangle ABD, ये वाली triangle. इसमें जो EO है, it is parallel to AB. यानी मैंने ये वाली triangle consider की ABD. EO is parallel to ये वाली line. EO it is parallel to AB.
Now in triangle ABT, EO is parallel to AB. It is by construction. पहले से आपने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की है. अब यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करो. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे देखो EO it is parallel to AB, it will divide in the same ratio, it becomes AE by ED equals to BO by OD. आप यहाँ पे OD के बदले DO भी लिख सकते हो, यानी AE by ED equals to BO by DO. It becomes AE by ED equals to BO by DO. Mark it equation number 7. अब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड में AE by ED है, तो इक्वेशन सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड में AE by ED है. जब हम इनके दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हमने इन दो इक्वेशन को कंपेयर किया, इट बिकेम AO by CO equals to BO by DO. यानी मैंने कहा कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में AE by ED है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में AE by ED है, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो AO by CO equals to BO by DO. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इट बिकेम AO को किससे मल्टीप्लाई करना है, DO से मल्टीप्लाई करना है, BO को CO से मल्टीप्लाई करना है. जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट बिकेम therefore AO by BO equals to CO by DO and sprout. Okay, that's perfect.